प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह बकरी के बच्चे उनकी माँ के पेट से पैदा होते हैं और इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा किस तरह अंडों से मुर्गी के चूजे निकलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि काया पलट किसे कहते हैं और तितली के मशरूमा के जो चार मरहले हैं हम इसे भी बखूबी जानेंगे। तितली की जो पैदाइश होती है ये भी काया पलट के अमल से ही होती है। तो चलिए अब हम समझेंगे कि तितलियों में काया पलट किस तरीके से होती है। प्यारे बच्चों, आपके अतराफ में रंग बिरंगी तितलियाँ देखते होंगे। ये हमारे माहौल का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। तितली हर किसी को पसंद है। तितलियों का अक्सर वक्त जो है नबाताती खुरबत में गुजरता है। वो अपना अक्सर ज़्यादातर वक्त फूलों पर, पत्तियों पर और दरख्तों पर गुजार देती है। तितली के दौर हयात के चार मरहले हैं। पहला अंडा, दूसरा सुंडी यानी लार्वा, तीसरा प्यूपा और चौथा होता है तितली। तो ये तितली के जिंदगी के यानी दौर हयात के चारों मरहले हैं। अब हम समझेंगे कि तितली की जो पैदाइश होती है वो किस तरीके से होती है। रंग बिरंगी तितली की मादा यानी माँ जंगल में मौजूद रुई के पौधों के पत्तों पर अपने अंडे देती है और इन अंडों से 6 से 8 दिन के बाद लार्वे निकल आते हैं। इन्हीं लार्वों को सुंडी कहा जाता है। बच्चों, लार्वे यानी कि जब एक जानदार अंडे देता है उसके अंडे से निकला हुआ जो जानदार होता है जिसको पैर नहीं होते और वो एक अलग की तरह नजर आता है तो इसको लार्वा कहते हैं। तो ये अलग अलग जानदार के जो लार्वे होते हैं वो अलग अलग नजर आते हैं। तो अजीत तलबा जो तितली के अंडे से लार्वा निकलता है इसे सुंडी कहा जाता है। सुंडी जिस पत्ते पर पैदा होता है यानी जिस पत्ते पर अंडे के बाहर निकलता है उसी पत्ते को वो कुतरना शुरू कर देता है और सुंडी की पत्ते खाने की रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है कि 2 से 2.5 दिन के दरमियान ही इसकी नशोनुमा बहुत ज़्यादा हो जाती है। सुंडी की नशोनुमा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसके जिस्म का बाहरी गलाफ यानी बाहरी जो गलाफ होता है, हमारी जो बाहरी स्किन चमड़ी बोलते हैं, ये उसको नशोनुमा के लिए कम है यानी कि इस गलाफ में अब वो बढ़ नहीं सकता। तो वो क्या करता है 2 से 2.5 दिन के बाद में अपने इस गलाफ को तब्दील करता है और इस गलाफ को क्या कहते हैं केंचली। केंचली से मुराद जब नशोनुमा के लिए जानदार का जिस्म नाकाफी पड़ता है, उसके बाहरी गलाफ नाकाफी पड़ता है तो जब उसको तब्दील करता है तो उसे हम केंचली कहते हैं। ये जो सुंडी होती है अपनी केंचली 4 मरतबा तब्दील करती है और इस दौरान वो हर बार केंचली तब्दील करने के बाद में पत्तियों को खाती है। तितली जो होती है सुंडी की शक्ल में कम अज कम 10 से 12 दिन तक होती है। इसके बाद जब सुंडी आखिरी मरतबा अपनी केंचली तब्दील करने वाली होती है तो क्या करती है एक किसी भी एक पेड़ की टहनी को ऐसे नीचे से लग जाती है, लटक जाती है, उसको उसकी टहनी हुई या गांठ को लटक जाती है और क्या करती है फिर उसमें अपना जो गलाफ होता है उसी को और कुछ रेशम के धागे को इस्तेमाल करके खुद को लटका लेती है और एक खोल तैयार करती है अपने तरफ में, ऐसा गोल गोल खोल तैयार करती है और उसी में खुद को बंद कर लेती है। जिस खोल में वो खुद को बंद करती है और ये जो मरहला होता है इसको हम प्यूपा कहते हैं। अजीत तलबा जो तितली होती है प्यूपा की हालत में कम से कम 10 से 12 दिन तक रहती है और इस दौरान वो कुछ भी नहीं खाती क्योंकि वो अंदर बंद होती है। जब वो प्यूपा के अंदर बंद होती है तो इसके जिसमें बहुत सारी एक अहम अहम तब्दीलियाँ होती जाती है और इस तरह 10 से 12 दिन के बाद वो खुद उस प्यूपा के बाहर निकलती है। और जब ये प्यूपा के बाहर निकलती है, देखिए अजीज तलबा, जब प्यूपा के अंदर गई तो क्या थी सुंडी यानी अलई थी और जब प्यूपा के बाहर निकल रही है तो एक खूबसूरत 6 पैर और 4 परों के साथ एक तितली बाहर निकलती है जो काफ़ी खूबसूरत होती है। तो इस तरीके से जो तितली की नशोनुमा होती है, तितली की नशोनुमा के 4 मरहले हैं। जैसे कि पहले मैंने बताया आपको अंडा, अंडे से निकलता है लार्वा, लार्वे को कहते हैं सुंडी। उसके बाद में जो सुंडी होती है वो प्यूपा की शक्ल में तब्दील हो जाती है। तीसरा मरहला होता है प्यूपा और चौथा जब प्यूपा से बाहर निकलती है तितली यानी बाली तितली।